मैंने सोचा था चला तो ये भी बचा हुआ है, मैंने कहा पता नहीं कब आए। मानी ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करो, चैनल को शेयर करो, लाइक करो। जीन वाली वीडियो ना देखा कर, बच्चे डर जाते हैं पता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं गाइस? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आमना वाली ब्लॉग्स, तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन भी लाजमी दबाए करें। तो मैंने आज के लिए बच्चे ना बहुत तेज है माशाल्लाह। मैंने गाइस सफाई सारी घर की कर ली थी और ये कुर्सियां रह गई थी बिना मट्टी मट्टी सारी हुई थी। मैंने गाइस पे डस्टिंग भी कर लूँ जरा, थोड़े छोटे छोटे काम और भी बहुत होते हैं, छोटे छोटे काम खत्म और सफाई वाला ब्लॉग भी बना लिया। बहुत सारे वैसे ब्लॉग बनाए हुए हैं, जैसे ब्लॉग बनाती है हर टाइम, बस झाड़ू पोछा करती रहती है। तो आज मैंने कहा बस फिर कुर्सियों को साफ करें। और आप लोग बताना कहाँ से आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो। गर्मी अभी भी नहीं जा रही है, देखो मुझे ना पसीना आ रहा है। पहले इस महीने में फुल सर्दी होती थी, पिछले साल भी ऐसे ही था, अक्टूबर में बहुत ज़्यादा सर्दी थी, लेकिन अब तो अक्टूबर का महीना ख़त्म हो गया है और सर्द गर्मी जाने का नाम नहीं लेगी। मैंने सोचा था फ्रिज बंद करके रख दूंगी, लेकिन फ्रिज अभी भी चलाना पड़ता है क्योंकि गर्मी इतनी होती है। जब तक ठंड या जूस बोतल ठंडा पानी ना पीना तो सुकून नहीं आता। तो अब देखो पता नहीं है कब तक गर्मियाँ रहती हैं। तो गाइस आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लोग न्यू आते हैं मेरे चैनल, जो लोग न्यू आते हो ना तो चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो, कुछ नहीं होता। और दूसरी बात के मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि फेसबुक पे मेरा कोई पेज नहीं है, कोई चैनल नहीं है। फेसबुक पे आप सपोर्ट ना किया करें और ये जो मेरी वीडियोस हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक जाए, उनको पता चले कि फेसबुक पर मेरा कोई अकाउंट नहीं और टिकटॉक पर भी नहीं है अभी कोई। मैंने कल जो परसों जो व्लॉग लगाया था जिसमें मैं बोल रही थी कि टिकटॉक पे और फेसबुक पे मेरा कोई अकाउंट नहीं बना हुआ अभी, मैं नहीं यूज़ करी। तो टिकटॉक पे मैंने भी रात देखी वीडियोस, टिकटॉक पे मैंने वही मेरा व्लॉग उठा के लगाया हुआ था, नीचे लिखा हुआ था एक्शन लेंगे। और मेरे मतलब चैनल वाला ही उन्होंने आईडी का नाम भी लिखा हुआ था अमनावलीज व्लॉग्स। यार लोगों को शर्म नहीं आती है अपनी माँ बहन की बनाई वीडियो अपनी बनाए लगाए, लोगों के का कंटेंट क्यों उठाते हैं, हमारी वीडियो उठाते हैं क्यों लगाते हैं। थोड़ी बहुत भी उन लोगों में शर्म नहीं है जो मेरी वीडियो उठा के लगाते हैं, डूब मरे वो लोग बस। तो अब आप लोग ना जहाँ भी मेरी वीडियो देखो ना टिकटॉक पे या फिर फेसबुक, तो आप फेक है, फिर से आप लोग वॉच सुन लो, फेसबुक पर और टिकटॉक पर मेरा कोई अकाउंट नहीं है, जितने भी अकाउंट है वो सब फेक है, लोगों ने बनाए हुए हैं, उन पे मैं नहीं हूँ। आप लोग रब्त करते हो, मैसेज करते हो उधर लोगों को, तो फिर इधर कमेंट्स करते हो कि आमना जी ने ये किया, तो मेरा कोई अकाउंट नहीं है फेसबुक पर। मुझसे जिसने रब्ता करना है वो सिर्फ मेरे यूट्यूब आमना विलेज ब्लॉग्स पे ही नंबर जो मिलेगा आपको वही मेरा ओरिजिनल कॉन्टैक्ट नंबर है। और बाकी आप लोग कहीं फेसबुक से नंबर लेते हो, टिकटॉक से लेते हो, तो वो सब फेक है, वो मेरे कोई नंबर शंबर नहीं क्योंकि वो मेरी आईडी ही नहीं है। तो वो फिर ऐसे आमना समझ के ना शुरू हो जाया करो आप लोग कहेंगे। तो जो इस चैनल से लिंक लोग या नंबर लोगे तो वो आप लोग मेरे साथ उससे रब्ता होगा। तो बार बार इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग समझो और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि उन लोगों तक पहुँचे जो बेचारे फेक आईडियों पे आमना समझ के मैसेज करते हैं, थोड़ा सा ना ख्याल किया करो। तो अभी गाइस कुर्सियाँ साफ हो गई हैं, तो और
और मैं गाइस लेके आई थी, अभी मौसम तो मैंने कहा सर्दी तो आ नहीं रही, तो हमारे घर में जी साग बड़े शौक से खाते हैं, ये मक्खन लेके आई थी साग के लिए। तो साग लिया था हमने ना ऑनलाइन फूड पांडा से मंगवाया था, ये बाउल में रखे हैं। तो ये हमने 3 दफ़ा खाया माशाल्लाह, तो ये भी बचा हुआ है, मैंने कहा पता नहीं कब आएगा। और आज हमें ना चावल का आटा मिला नहीं था यहाँ से, उन्होंने कहा अभी नहीं है कुछ दिनों में आ जाएगा। तो ये मैंने आज क्या किया, मैंने चावल लेके उनको खुद पीस के उनका आटा बनाया है, और फिर उसकी रोटियाँ बनाई थी आटे साग के साथ, आटे के चावल चावल के आटे की रोटी अच्छी लगती है, वो चिलड़ा बोलते हैं उसको, चिलड़े चावल के आटे के चिलड़े। तो ये फिर बन लिया, आटा बच लिया, फिर रख लिए। तो ये जी हमने कहा हम सर्दी जब आएंगे अभी हम छत पे खुद साग बनाएंगे, आग जलाएंगे लकड़ियों की, का जो है हम माहौल बनाएंगे। और गाइस एक और चीज़ दिखाऊँ मैं आपको, मैंने ना एक फ्रूट लिया आज, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दो, और आप लोग बताना किस तरह का सिरमो। अब डिफरेंट कलर का लिया, पहले 2 और कलर के थे ना, एक पिंक और एक ब्लू। ये देखो गाइस, ये मैंने कलर लिया और ये बड़ा खूबसूरत कलर है, आप लोग बताना इसके लिए। ये सारी कढ़ाई की हुई है, प्रिंट नहीं है, कढ़ाई बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सी की हुई है इसकी। और ये इसका ट्राउजर और ये इसका दुपट्टा, मुझे इसका कलर बहुत प्यारा लगा है। और अब तो आप लोगों को एतराज़ नहीं करना चाहिए ना, हर टाइम आप लोग एतराज़ करते हो अमना जी एक ही सूट में ब्लॉग बनाती रहती हूँ, अब मैं चेंज कर रही हूँ सूट ले रही हूँ अपने, अब आप लोगों का हक बनता है, मैंने आप लोगों की बात मानी, अब आप लोग भी मानो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, चैनल को शेयर करो, लाइक कमेंट करो। तो ये बताना आप लोग किस तरह का सिलवाऊँ सूट, फिर मैं इसको कल देने जाऊँगी दर्जन को। आप लोग कहोगे खुद तो सी लेती है, दर्जन को क्यों लेने जाएगी, तो मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है आजकल, इस वजह से मेडिसिन खा रही हूँ, मैंने दिखाई थी ब्लॉग में, तो इस वजह से मैं ज़्यादा टाइम बैठ नहीं सकती कि मैं इसको खुद सीऊँ, इसलिए मैं ये सूट दर्जन को लेके आऊँगी। और ये कंबल मैंने दिखाया था आप लोगों को बंद पैकेट में, वो उसके कवर में, और ये वाला कंबल लेके आई थी मैं, ग्रीन वाला। तो ओके गाइस, आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी करना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।